नासिक के दूरदराज के कई इलाकों में पानी की समस्या बरकरार है, जिसको विभिन्न माध्यमों से प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ताजा तस्वीर क्षेत्र के माजर गांव से सामने आई है, जहां के ग्रामीण पानी की कमी के चलते साल भर परेशानी में घिरे रहते हैं। गांव में कुल 20 परिवार रहते हैं, जिनमें लगभग 90 सदस्य हैं। गांव की महिलाओं को पानी के लिए दूर दूर जाकर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। इस दौरान एक लड़का कुएं में उतर कर पानी भरने में महिलाओं की मदद करता है। ब्याह रचा कर इस गांव में आई नई दुल्हन पानी की कमी के चलते परेशान है। उनका कहना है कि इसको लेकर उनके परिवार से उनकी लड़ाई भी हो जाती है। मेरा नाम सुनीता नूनत मांगटे, रहती हूँ मांजर गांव में। वजह हमारे ऐसे के मैं शादी करके जब आई थी इधर, तो मुझे 4-5 दिन अच्छा लगा। जब धूप ज़्यादा निकलने लगी तो ऐसा लगा क्या सड़क नहीं, पानी नहीं, तो बहुत ढेर लगने लगा क्या, ऐसा लगने लगा क्या इधर रहना ही नहीं चाहिए। जब मैं मायके चले गई तो मेरे पिता के साथ बहुत झगड़ा किया मैंने। तो पिता ने कहा कि ऐसे होगा बेटा, 4-5 दिन कहेगा, 2-4 दिन हफ्ते सहना पड़ेगा ना क्या। तो फिर आपने फिर मायके से आई थी, जब मैं ये मेरे पति के साथ भी बहुत झगड़ा करती थी क्या। इस गांव में पानी नहीं, इसलिए बहुत बुरा लगता है, और धूप भी बहुत होती है। इस गांव में आई तब अच्छा लगा 4-5 दिन पर, और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे आने के बाद आपके साथ? यहाँ पे पानी नहीं, मैंने पूछा सबसे तो उन्होंने कहा या बहुत सालों से मुझे पानी नहीं मिलता, दूर जाना पड़ता है। और मैं मायके गई तो वहाँ पे मैंने झगड़ा भी किया, और उनसे कहा मेरे वहाँ पे पानी नहीं थे मेरी शादी क्यों की वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जब बारिश होगी तब पानी भी हो आ जाएगा। गांव की बुजुर्ग महिला बताती हैं कि पानी की कमी के चलते कोई भी अपनी बेटी की शादी यहां नहीं करना चाहता। इसकी वजह से उन्हें अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने में काफी मुश्किलें आई। जैसे तैसे कर शादी के लिए लड़की मिली भी, तो वो अब शादी के बाद पानी की कमी को लेकर झगड़ा करती है। 2 बच्चे थे, उनके लिए मैं बहू ढूंढने गई थी। वो लोग यहाँ देखने आए, वो कहने लगे कि वो यहाँ घर में इस गांव में पानी नहीं है, सड़क नहीं है। वो चर्चा करने लगे उनके गांव में जाके, वो नहीं कहने लगे कब मैं हम हमारी लड़की उस गांव में नहीं देंगे। तो उन लोगों ने किया दिया वो हमको, वो बहू वो भी मुझसे झगड़ने लगी, लड़ने लगी। वो भी कहने लगी कि यहाँ पानी नहीं है, बहुत दूर दूर से जाना पड़ता है पानी लेके, सड़क नहीं है, गाड़ी भी सोई नहीं है, बिजली भी क्या कहीं कहीं आती है जाती है, बिजली भी समस्या नहीं है, क्या करूं मैं यहाँ रह के। वो भी मुझसे बहुत झगड़ती थी। मैंने के 2-3 महीने मायके जाके रहती थी।